व्यूअर्स, आज की वीडियो में जो सवाल है जो एक व्यूअर ने कमेंट किया है मेरी वीडियो पर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियो में अपने वॉशिंग मशीन में जब क्लोथ वॉश करती हूँ तो मैं उसमें सोप यूज़ करती हूँ। काइंडली आप हमें बता सकती हैं कि क्या सोप हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना जैविन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुशामदी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में जो सवाल है जो एक व्यूअर ने कमेंट किया है मेरी वीडियो पर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियो में अपने वॉशिंग मशीन में जब क्लोथ वॉश करती हूँ तो मैं उसमें सोप यूज़ करती हूँ, और सोप यूज़ करने का तरीका वगैरह सब मैंने बताया हुआ है। तो उनमें से एक व्यूअर ने कमेंट किया था, वो कहते हैं कि काइंडली आप हमें बता सकती हैं कि क्या सोप हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि साबुत हम यूँ का यूँ सोप की बट्टी नहीं यूज़ कर सकते? तो देखें, नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वॉशिंग मशीन का जो ड्रम आप देखते हैं कि पूरा जो है वो पिलो साइज ड्रम है। अब जब साबुन की बट्टी बार बार वहाँ लगेगी तो क्या होगा कि वहाँ साबुन चिपक जाएगा और बहुत सारा डैमेज कर सकता है आपके ड्रम को, जो कि उसके नुकसान दे है, उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेहतर तरीका यही है कि या तो आप कट करके उसको सोप में यूज़ करें। अगर आपने साबुन पूरा भी यूज़ करना है, अगर आप चाहते हैं कि ना मैं कट करूं ना मैं सिवैयाँ यूज़ करूं, तो आप उसको किसी लॉन्ड्री बैग्स होते हैं, आप लॉन्ड्री बैग के अंदर डालकर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। या तो आप, अगर आपने नहीं कट करना, आपने बिल्कुल इसी तरह यूज़ करना है, तो आप लॉन्ड्री बैग लें, लॉन्ड्री बैग के अंदर डालकर और उसको यूज़ करें। या आप इस तरह से कर सकते हैं, आप सॉक के अंदर अगर पूरा आपका साबुन की बट्टी आ जाती है तो आप यूँ के यूँ सॉक के अंदर डालकर आप यूज़ करें, आप डायरेक्ट ना डालें, क्योंकि ये आपकी वॉशिंग मशीन के लिए हार्मफुल है। होप सो व्यूअर्स, आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।